सो फाइनली गाइस द मोस्ट अवेटेड गेम प्ले इज हियर, जहां पे हम लोग खेलने वाले हैं जॉनथन गेमिंग के अगेंस्ट में, मॉर्टल के अगेंस्ट में, स्काउट के अगेंस्ट में, माबी, अंतर्यामी और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स और इन सब के साथ होने वाले भैया ई स्पोर्ट्स वाले खतरनाक प्लेयर्स। और आज का गेम प्ले जो होने वाला है वो बिल्कुल अलग लेवल का होगा, क्योंकि ये BGMI का होली स्पेशल टूर्नामेंट था जिसके अंदर हम लोग भी खेल रहे थे। और ये गेम प्ले देखने के बाद आप लोग के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा मेरे लिए, मास्टरमाइंड। तो यहाँ पे हम लोग उतरते हैं टैंक के लिए सबसे पहले, क्योंकि एक पेलोड मोड का मैच होने वाला है, तो हम लोग टैंक के लिए उतरते हैं। लेकिन हमसे पहले ही एक स्क्वाड टैंक्स पे कूद जाती है और यहाँ पे शुरू होता है भाई साहब दहशत का माहौल। मैं तो लग गया, मैं तो गए 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 खत्म। मेरे को लग रहा है अभी मरने वाले शुरुआत में। अब मेरे साथ खेल रहे थे क्लासिफाइड भाई, हम क्लासिफाइड भाई की टीम में थे, स्पाइडरमॉन विक्की, और विक्की उतरते ही नॉक हो गया और जस्टिन ने विक्की की पेटी बना दी, वो भी चक्कू मार के। और यहाँ पे टैंक लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे स्पाइडर और क्लासिफाइड भाई, डर के मारे घर के अंदर भाग गए। और यहाँ पे मुझे पता था कि अगर मैं घर के अंदर गया तो हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट हो जाएगी। मैंने अपने टीममेट्स को बोला गाड़ी है मेरे पास, आ सकते हो क्या मेरे पे? तो क्लासिफाइड भाई और स्पाइडरमैन ने बोला कि वो नहीं आ सकते, फुल पैनिक में थे वो लोग। मैंने बोला कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके जा रहा हूँ नोवो, अगर नोवो पे कोई टीम होगी तो उनसे फाइट लूंगा, अगर बचूंगा सरवाइव करूंगा तो उसके बाद आगे का प्लान आप लोग को समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्लासिफाइड भाई ने बोला हमारी स्ट्रेटजी कॉपी कर ली उन लोगों ने, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम जाएंगे मिलिट्री में टैंक लेंगे और उसके बाद खेलेंगे। अब यहाँ पे शॉप में हम लोग को चाहिए थे कॉइन्स 120, और बड़ी मुश्किल से भाई एक एक कॉइन कलेक्ट करने के बाद हमें 120 कॉइन्स हुए। और उसके बाद हमने यहाँ पे मंगाई टैंक फ्लेयर, और बहुत लोग बोल रहे थे भाई वो शॉट देख के कि विक्की को रिकॉल कर सकते थे। तो गाइज रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग किसी को भी रिकॉल नहीं कर सकते कहीं से भी, ना ही रिकॉल सेंटर से ना ही शॉप से। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्लान था, मूव था, मास्टरमाइंड गेम प्ले वन स्टेज वन का वो था, हमें एक टैंक चाहिए था और टैंक हर जगह का ऑक्यूपाई कर लिया था इन लोगों ने। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लेयर मंगाई और यहाँ पे हम फ्लेयर चलाने वाले थे, और तभी देखो सामने भैंस की टांग, एक शॉट में ही हम तीनों के HP देखो। और ये वही बंदे थे, जस्टिन की टीम थी ये, जो लोग भाई यहाँ नोवो में आ गए थे अपने टैंक लेके, जिन लोगों ने विक्की की बनाई थी पेटी। क्या लगता है गाइस, क्या हम लोग यहाँ पे बच के निकल पाएंगे इन टैंक वाले बंदों से, और क्या चिकन डिनर कर पाएंगे भैया इतने खतरनाक धुरंधर प्लेयर्स के अगेंस्ट में? अब वहां से पूरा पीछे से पहाड़ी से उतर के नीचे जोन के पीछे घुमा के हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे जो टैंक वाले बंदे थे वो जोन के अंदर जा चुके थे अभी। और यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने बोला कि यहीं पे टैंक वाले प्लेयर चला लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे रिस्क लिया और टैंक की फ्लेयर चला दी। उसके बाद यहाँ पे वो जो टैंक वाले बंदे थे वो यहाँ पे ना आ जाए फ्लेयर देख के, तो मैंने स्पाइडरमैन को बोला एक काम कर तू यहाँ से टैंक लेना और जब मैं कॉल दूंगा तभी आना, तब तक हम लोग आगे जाके स्पॉट करते हैं वो टैंक वाली टीम को। मैंने सबसे पहले जोन देखा और जोन भैया बन चुका था पूरा का पूरा एकदम अलग सा, मतलब गेम प्ले में ऐसा जोन लिटरली जीरो ना के बराबर बनता था हमारे क्लासिक मैचेस में। तो उधर साइड का हम लोग को बहुत कम नॉलेज था। अब मैं यहाँ पे नीचे आया, सामने देखो भाई दोनों टैंक वही थे। अब यहाँ पे टैंक लेके स्पाइडर आया, तो मैंने बोला स्पाइडरमैन को कि तू और क्लासिफाइड भाई मैं कॉल दूंगा तभी टैंक लेके ब्रिज क्रॉस करना, मैं सबसे पहले जा रहा हूँ पानी से ये वाली गाड़ी लेके, और उसके बाद यहाँ पूरा पूरा समुंदर क्रॉस करके उन बंदों को स्पॉट करूंगा। वो देखो टैंक जा रहा था सामने। अब यहाँ पे जो रिस्क था वो सिर्फ मेरे ऊपर ही था, क्योंकि अगर यहाँ पे मरता तो सिर्फ मैं मरता, मर जाएंगे भाई जोन बहुत। अरे मुझे इसका नहीं पता गाड़ी। तो गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कर लेना ऑल पे सेट। अब यहाँ पे भाई वो टैंक वाले बंदे पूरे नीचे आ गए ग्राउंड पे पानी के बगल में बिल्कुल समुंदर के, तो मैं थोड़ा सा अंदर की साइड लेता हूँ गाड़ी को। बोट के आसपास देखो, बोट पे देखो, बग्गी में। रोटेशन जा रही है पूरी। अब हम यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे भाई RPG को लॉक किया। सबसे पहले तो मेरा जो काम था वो था ये टैंक वालों को कैसे भी डैमेज करना, और जब भी RPG लॉक होती है तो टैंक वाले थोड़ा पैनिक हो जाते हैं और सीधे वो भागने लगते हैं कवर में। तो मैंने यहाँ पे दोनों टैंक पे RPG लॉक करके दोनों को एक एक रॉकेट से मारा और दोनों के दोनों रॉकेट्स लगे उनको। अब यहाँ पे RPG लॉक नहीं हो रहा था, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बुला लिया था अपने टीममेट्स को, और यहाँ से अब जो मेन गेम प्ले शुरू होने वाला है भाई वो देखने के बाद आप लोग अपने कच्चे फाड़ दोगे।
भरता हूं एक फ्यूल है मैं भर रहा हूं। अब यहाँ पे जो मेरी स्ट्रेटजी थी बहुत ही सिंपल थी, हमें टैंक रिपेयर किट चाहिए थी जो हमने नोवो में इकट्ठी कर ली थी ऑलमोस्ट 7 से 8, और उसके बाद यहाँ पे हमें टैंक मंगाना था जो कि हम लोगों ने मंगा लिया था। स्टेज 2 भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें वो दो टैंक वाले बंदों से बच के जाना था, वो हम बच के आ गया। अब था स्टेज 4 जहाँ पे हमें निकालने थे फिनिशेस अगर हमें क्वालिफाई होना था आगे सेमीफाइनल्स के लिए। अब यहाँ पे जैसे भैया रॉकेट लॉक करके बंदे हमें मारने लगे, ये टैंक चलाना लिटरली गाइस बहुत ही मुश्किल का काम है। आप लोग कभी पेलोड मोड में जाके चलाना, क्योंकि एक तो मुड़ता नहीं, इसका हैंडलिंग बहुत बेकार है, और ऊपर से भाई फायर करना तो और भी ज्यादा मुश्किल का काम है। ये हुआ पहला बंदा नाक। अब क्लासिफाइड भाई बोल रहे थे एलएमजी चलाऊं, मैं बोला बाहर मत जाइएगा, एलएमजी वाली गन यूज करोगे रॉकेट से तुरंत नॉक हो जाओगे। और यहाँ पे भाई एक पहला किल हमारा मिला, ये टीएफ ओए सवाई। अब क्योंकि टैंक का जो अपना फायर करने वाला एम का रहता है वो बहुत स्लोली इधर उधर जाता है, तो आपको ठीक से एम करना होगा। यहाँ पे ये लॉक हुआ हम पे, अब हमारा टैंक यहाँ पे फटने वाला था, 3-4 रॉकेट लगती और फट जाता, तो मैंने तुरंत कवर मिल लिया। तब तक यहाँ पे रिपेयर हो गया हमारा टैंक और हम वापस निकल पड़े किल की तलाश में। गाड़ी फोड़ दे भाई, फोड़ इसको बाहर ओपन वाले को, बाहर वाला डैमेज हुआ अच्छा खासा। मेरा बाहर निकल के एलएमजी चलाने का मन कर रहा है, मर जाऊंगा। नहीं, हां मर जाऊंगा। अब मैंने यहां पे टैंक आगे की और मैंने बोला कि इसकी तो अब लंका लगने वाली है। गेट पे मैंने एम किया एंड बूम, ये खत्म। मार दे वैसे, मार दरवाजे पे मार। एंड इसी के साथ यहाँ पे टीएफ का फ्लॉक भी गया और हमारे जो हाथों में थे वो 2 किल लग चुके थे। अब हमें और किल्स निकालने थे क्योंकि हमारा पहला जो मैच था वो बहुत बेकार गया था और ये हमारा दूसरा मैच था। अब सामने सेक के पास एक बंदा स्पॉट हुआ मुझे, मैं डायरेक्ट वहीं पे रॉकेट मारता हूँ। सबसे पहले तो इसकी बग्घी उड़ा दी ताकि यहाँ से भाग ना पाए। अब उसके बाद मैं सेक के अंदर जो है तो मारने वाला था, वापस से दरवाजा उड़ाने वाला था, लेकिन भाई ये बंदा बच गया यहाँ पे, लेकिन डैमेज जरूर हुआ ये भाई। ये बचा कैसे मेरे को ये नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, इसकी तो उड़ा के रहेंगे भाई, इसकी तो लंका लगा के रहेंगे। ये बंदा भी बहुत तगड़ा खेल रहा था गाइस, पता नहीं कौन सी टीम का था ये, और डायनमो की टीम भी थी गाइस। एंड इसी के साथ टीएफ का माफिया भी गया, तो यहाँ पे टीएफ के हम लोगों ने 3 बंदे निपटा दिए भाई, पूरा एकदम रॉकेट चल रहा था। ऑल मेरे टीममेट्स को सिर्फ एक ही काम करना था, जब भी हाफ एचपी से कम जाए, मैंने समझा के रखा था जैसे 50 एचपी से कम जाए आपको रिपेयर मारना है। यहाँ पे एक फ्री वाला किल एंड रीलोड हो रहा था मेरा लॉन्चर, बूम सोल रॉनी गया यहाँ पे। अरे कर दिया कोई बात, अरे दो और है। अब मैंने यहाँ पे घुमाया और यहाँ पे सुनना, ड्रॉप हो गई उधर ड्रॉप हो गई के यहाँ पे। स्पाइडरमैन टैंक के अंदर बैठ के इतना पैनिक हो गया था कि इसने हमारी रिपेयर किट वो भी दोनों लास्ट की बची हुई ड्रॉप कर दी जो उसके पास थी। क्लासिफाइड भाई के पास अभी थी, लेकिन यहाँ पे स्पाइडरमैन को जो दी थी मैंने वो उसने रिपेयर किट यहाँ पे ड्रॉप कर दी। मैंने बोला ले लेंगे, क्लासिफाइड भाई ने बोला नहीं ले पाएंगे, मैंने बोला मैं बताता हूँ कैसे करना है, ये रिपेयर किट। मैंने स्पाइडर को बोला उतर के जल्दी जाके ला, और भाई ये सामने स्काउट, कहाँ जा रहे हो स्काउट भाई? नहीं मैं बोला भाई स्पाइडर क्या कर रहा है, अंदर आ जाए, एक रॉकेट लगेगी खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे पिंक पांडा स्काउट ही था भाई, मेरी टीम बिल्कुल पागल हो गई थी, क्योंकि हम लोग भाई मतलब मेरे टीममेट्स को तो बिल्कुल वो तो बोल रहे थे कि भाई हम सर्वाइव ही कर ले, टॉप 10 में ही आ जाए वही काफी। मैंने बोला चिकन निकालेंगे गाइस। अब अंदर एक बंदा बचा हुआ था इसके, भाग रहा था वहां से।
और हाँ हमारी स्ट्रेटजी में एक चीज और थी कि टैंक के अंदर हम लोग फ्यूल और कैनन के बुलेट्स डाल देंगे। अब यहाँ हिल पे दो दो टैंक थे, एक टैंक पीछे आ गया तो मैं यहाँ पे छोटा सा कवर था और जोन भी था तो मैं यहीं पे रुकने वाला था, लेकिन इस टैंक को डैमेज करने का ट्राई किया मैंने। मैं यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ धीरे से कि किसी का ध्यान हम पे ना जाए, छुपा लेता हूँ भाई थोड़ा कवर में रहना। अब सामने एम करना था मुझे, लेकिन एम खोलते ही स्कोप खोलते टैंक का ऊपर चला गया और तभी लेफ्ट साइड से बंदा जोन के अंदर आ रहा था। देखो एम किया एंड बूम, पता नहीं वो गरीब क्या सोच रहा था कि भाई उड़ा देगा हम लोग को, लेकिन यहाँ पे आखिरी बंदा गया स्काउट की टीम का। भाई इतनी तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट में थे हम लोग और यहाँ पे हमने 6 किल निकाल लिए। अब 3v3 की फाइट थी, सामने टैंक, मैंने बोला इस टैंक को दूर से डैमेज कर देता हूँ, वो टैंक वालों अभी सेक वालों से फाइट ले रहे थे। ये पहला लगा एंड ये दूसरा बुलेट भी लगा। एक्यूरेसी देख रहे हो तुम्हारे भाई की, भाई एकदम बूम बूम। अब वो पूरा टैंक एकदम डैमेज हो गया था तो यहाँ पे हम लोगों ने मारा, लेकिन तब तक उन लोगों ने रिपेयर कर लिया। फिर से दो शॉट लगे, तीसरा शॉट लगा उनका एक शॉट मिस हुआ, चौथा शॉट लगा उनका एक शॉट और मिस करवाया मैंने और सीधे अब डाल दिया। अब बस यहाँ से आप लोग देखो भाई क्या ही फाइट होगी। मैंने कहा आप तो भाई हेड टू हेड फाइट लेंगे, आग निकल गई उनसे। भाई यहाँ पे एक बंदा नॉक, भाई वो भी रिपेयर कर रहे हैं, हम भी रिपेयर कर रहे हैं और यहाँ पे अंतर्यामी भाई गए। अब यहाँ पे ये गया क्लासिफाइड भाई, बोले मॉर्टल, मैंने बोला मॉर्टल नहीं है यार, अंतर्यामी की टीम में मॉर्टल कैसे होगा। अब ये लास्ट शॉट देखना, पॉइंट ब्लैंक एंड विनर विनर चिकन डिनर। तो भाई साहब मतलब भाई सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली टीम में हमारा नाम आने वाला था, वहां से लेके चिकन डिनर विथ 9 solo kills के साथ भाई मेरी पूरी टीम पागल हो गई थी भाई पागल। जहां पे हम उतरते ही मारने वाले थे वहां पे हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई, स्टेजेस बनाए और चिकन डिनर विथ टूर्नामेंट का मोस्ट सोलो 9 kills के साथ। तो मजा आ गया। आप लोग को गाइस अगर मजा आया तो एक लाइक कर देना। और पेलोड मोड कुछ अलग सा था, इसमें ज्यादा दिमाग यूज करना था अपन को, मतलब सभी टीम्स को, क्योंकि नॉर्मल गन गेम्स के जैसा नहीं होता है कि आप गन लेके जाओ स्प्रे करो मारो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है और हमारे पे कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद हमने चिकन किया और टैंक भी लिया, लूट भी करी, सब कुछ करने के बाद इतनी खतरनाक टीम्स के गेम्स में चिकन किया। तो निकॉर्ड ने कमाल के गेम प्ले मेटेल आ रहा। थैंक्स वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।